संत शिवदान जी और प्रसाद राम जी ठोलिया छगना राम जी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं सभी गुरुजनों को श्री चरणों में वंदन। मैं दोस्तों आपके बीच में कहना चाहता हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आज ही हमारी तो त्यौहार है, तो गणतंत्र हो या स्वतंत्र हो, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, हमारे राष्ट्र पर्व है। तो वैसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, सभी को पता है क्यों मना रहे, किस लियर कैसे मना रहे, क्योंकि इस दिन हम ब्रिटेन से आजाद हुए थे। लेकिन फिर भी ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हर साल मनाने जा रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ रहस्य होना चाहिए। रही बात आज इस स्कूल की जो रूपरेखा है, सबसे पहले मैं मेरे सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी जो ये टीम, जो सक्षम टीम है, आपकी बदौलत से आज ये शानदार जानदार कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसा कार्यक्रम वैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त हम प्रत्येक साल मना रहे, लेकिन ऐसी भीड़, ऐसा माहौल पहली बार देखा है। तो इस जोश और को देखते से लग रहा है कि इस कार्यक्रम के साथ साथ पढ़ाई का भी माहौल बहुत शानदार चल रहा है। तो मैं एक सरपंच साहिबा, सरपंच प्रतिनिधि, उनसे मैं अपील करता हूँ कि हमारे स्कूल में स्कूल आखिरी तक है, और जो कमरू सिंह अच्छी है, हमने आपके लिए तन मन धन दिन रात यह किया था, और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी हमारे लिए तन मन जो हमने आपके लिए शो किया था, हमारी उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। और हमारा ऋण तभी चुकेगा जब इन स्कूल में 2 कमरों की व्यवस्था हो जाएगी, तब हम आपको बहुत शानदार शानदार मानेंगे कि आपने हमारी उम्मीद पर खड़ा उतरा। बाकी विकास बिल्कुल हो रहा है, हम आपके साथ थे, साथ रहेंगे, लेकिन हम आपसे क्रम का तफी रखे, तो आप किसी प्रकार की मदद लेनी पड़े, हम आपके लिए तैयार है, पूरा गांव तैयार है, लेकिन इन बच्चों के लिए 2 कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप जिस जो हमें देंगे, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। हमने आपके लिए इस सर्दी की कड़ा के ठंडक में दिन रात एक किया था, और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, लेकिन हमारा ऋण तभी चुकेगा जब इन बच्चों के लिए स्कूल में 2 कमरे बनेंगे, तब हम सुख और आराम से नींद ले पाएंगे। पता है क्लासेस ये 3 शेर बना हुआ है, नगरी 2 क्लास है। तो और रही बात पढ़ाई, अपन आज अपने स्कूल आठवीं तक है, तो हम ये चाहते हैं समस्त ग्रामवासियों से कि हमारे स्कूल भी दुष्कृतिक होने चाहिए। हालांकि पंचायत लेवल पर जैसे स्कूल होते हैं, लेकिन अगर हम दमखम दिखाएंगे तो जरूर दुष्कृतिक स्कूल बन सकते, क्योंकि कई ऐसे है कि आतंकवाद बढ़ा भी नहीं पाते, और कई ऐसे है कि जो आतंकवाद स्कूल बाहर भेज नहीं पाते हैं। हमारी छोटी बहन बेटियां जब स्कूल आतंकवाद बाहर जाती है तो वापस आते तब से हमें चिंता रहती है, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया, ऐसा सिस्टम हो गया। तो ये हम आपसे अपील करते हैं, हम सब युवा साथियों से, कि अपन एक संगठनों ग्रुप बना के उसके माध्यम से जहाँ मिलना पड़े वहाँ मिले, ताकि हमारी इसकी दर्शनी तक हो जाए, ताकि हमारे छोटे बड़े भाई बहनों को स्कूल से बाहर नहीं जाना पड़े। तो हमारे मुख्य मांग और सब युवा साथियों से मेरी अपील है। रही बात आज हमारे विद्यालय में जो ग्राउंड बनाया है, इसमें भी सभी जो शानदार ग्राउंड है, सफल साहब और जितने भी अतिथि युवा साथियों सब शौक से, एक बड़ा ग्राउंड है, या हमारे पास भी वैसे ग्राउंड नहीं है, इस ग्राउंड और इस पूरी टीम, तो खासकर गुरुजन पहले भी थे, ये वो गुरु थे, यही गुरु ही है, लेकिन उनमें थोड़ा जोश और नहीं था कि उस टाइम बच्चे पीछे से निकले थे गेट से, आज सामने से आते, क्योंकि सभी में जोश और जुनून है, पढ़ने का जज्बा है। तो हम ज्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इस ग्रामीण परिवार से हूँ, मैं इसी से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे टाइम इतनी सुविधा व्यवस्था नहीं थी, और आज तक बच्चों को हमने यही स्कूल भेजे, बाहर नहीं भेजे, बाहर प्राइवेट स्कूलों में ये तो इतना डिसिप्लिन है, नहीं इतनी व्यवस्था है, अपन बाहर भेजे तो वहाँ पानी सिर्फ खारा मिलता है, और ये पानी मीठा मिलता है, ठंडा मिलेगा, अब तो और भी सुविधा हो गई है। इतने भमासा है, मैं भमासाओं को हृदय की गहराई से तब से अभिनंदन करता हूँ, एक बार फिर समस्त विद्यालय परिवार को, समस्त आने वाले मेरे सभी
सभी नौजवान साथियों, युवा साथियों, बुजुर्गों का हार्दिक आभार है, स्वागत है, अभिनंदन है। रही बात अभी जो जो वो अपने गंभीर नाम हुआ वायरस है, गायों में फैल रहा है, तो मैं मेरे समस्त युवा साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपके जितने भी किसी भी गोवा से मृत्यु होती है, तो आप अपने स्तर पर या ऐसे ताल या गोथर बांधर में जाइए, उनको गेरा गड्ढा खोद, उनको उधर मिट्टी डाले, ताकि तो हमारे दूसरे गाय में फैले, और सारे दिन जो घोषा आ रहे हैं वो अपन सब युवा साथी मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि किसी को जो गाय बीमार है अपने प्रयास कर रहे, लेकिन एक गहरा गड्ढा होना चाहिए ताकि सभी गाय जो मर रहे हुआ है और उनकी जो बदबू है बाहर नहीं फैले और गाय बीमार न हो और किसी को भी नुकसान न हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।